थैंक यू सर, नमस्कार। तो मेरा प्रेजेंटेशन सर भेजा है सर, प्लीज उसको शेयर करवाएं सर। हाँ हाँ शेयर हो रहा है सर। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इट इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्टेट्स, बट इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट। सो वी हैव सेलेक्टेड इनिशियली 405 मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम व्हेन इट वाज लॉन्च्ड इन 22 जनवरी 2015 टू एड्रेस द डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड रिलेट इश्यूज ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ओवर लाइफ साइकिल कंटिन्यूम। इट वाज सर आपसे एक निवेदन है। हमारे जो फील्ड लेवल फंक्शनरीज हैं ज्यादातर वो हिंदी को आसानी से समझते हैं, तो आपसे ये निवेदन सर है कि अगर आप हिंदी यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। ठीक है सर। तो ये तीन मंत्रालयों को मिलकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोग्राम बनाया गया, इसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया था 22 जनवरी 2015 में। तो इसमें तीनों मंत्रालय के अलग अलग रोल्स डिफाइन किए कि वो क्या क्या करेंगे। जैसे वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का रोल था कि एडवोकेसी अवेयरनेस जनरेशन, कम्युनिटी को मोबिलाइज करना, ट्रेनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, कोऑर्डिनेशन और कॉग्निशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये WCD के रोल्स थे। और हेल्थ मिनिस्ट्री इसमें और एजुकेशन मिनिस्ट्री के मल्टी सेक्टोरल इंटरवेंशन हैं जो कि स्पेसिफिक उनके कंपोनेंट उसमें डिजाइन किए गए थे प्रोग्राम में, जिसमें कि जिससे कि सेक्स रेशियो एट बर्थ को इम्प्रूव किया जा सके, ये उनके टारगेट्स में थे। और इसी टाइप से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सेकेंडरी लेवल फॉर द एजुकेशन, इट वाज वन ऑफ द टारगेट डिफाइंड फॉर द एजुकेशन। तो दोनों मंत्रालयों को अलग अलग टारगेट्स के साथ में कैसे इनको साथ में लेके चला जाए, उसमें हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस इंटरवेंशन को सेलेक्ट किया। नेक्स्ट प्लीज। तो मेन कंपोनेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम में था कन्वर्जेंट कोऑर्डिनेटेड एक्शन बाय गवर्नमेंट इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, साथ में मीडिया एंड एडवोकेसी कंपेन करना है MWCD को, जिसमें 640 जिले थे सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। और इसी 640 में से हमने 405 जिले सेलेक्ट किए थे जिनमें मल्टी सेक्टर इंटरवेंशन करना था थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें जेंडर बाइज्ड सेक्स सेलेक्टिव को सेक्स सेलेक्शन जो होता है जहाँ जहाँ पहले से प्रिविलेंट है उसको कैसे एलिमिनेट किया जा सके, और सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड को कैसे और इंश्योर किया जा सके, और एजुकेशन ऑफ बच्ची को एजुकेशन और साथ पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे इनकरेज किया जाए, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे प्रोग्राम के। नेक्स्ट प्लीज। तो बेसिकली ये प्रोग्राम को स्टार्ट करने के पीछे जो नैरेटिव था वो ये था कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था वो डिक्लाइन हो रहा था कंटिन्यूअसली। 2011 तक के सेंसस जो भी आए उसमें कंटिन्यूअसली डिक्लाइन चल रहा था चाइल्ड सेक्स रेशियो में। तो डिकेडल जो चाइल्ड सेक्स रेशियो में पता लगता है कि जो जब भी सेंसस होता है तब, तो उससे हमें पता लगा कि इसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम की जरूरत है। तो उसके मद्देनजर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी सेक्स रेशियो को हमने स्टेट वाइज भी टेबुलेट किया है। यहाँ जो डिकेडल जो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो के हमारे पास डेटा आ रहे थे 1991 के सेंसस में, 2001 के सेंसस, 2011 के सेंसस में, ये तीनों सेंसस को मिला करके एक जरूरत लगी कि ऐसा कोई प्रोग्राम चलाया जाए जिससे कि मंत्रालय जो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काम करते हैं उनमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, जिससे कि CSR को इम्प्रूव किया जा सके। CSR को इम्प्रूव करने के लिए CSR होता है क्योंकि 0 से 6 साल की एज में, तो उसको और बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट और इम्प्लीमेंट करने के लिए सलाह दिया गया SRV को पकड़ा जाए, जो सेक्स रेशियो एट द बर्थ है, तो वो कैसे उसको एक बेहतर करेंगे तो CSRV बेहतर होगा। ये मानते हुए हमने फिर SRV को टारगेट लिया अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम में।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इंटरवेंशन वही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंटरवेंशन के लिए हमने जो यहाँ से इसकी फंडिंग के मैकेनिज्म भी की, तो हर डिस्ट्रिक्ट में 405 डिस्ट्रिक्ट को जो सेलेक्ट किया है, जिसमें कि मेन रीजन यही था कि जो SRB जिनमें पुअर चल रहा है उसमें हम ज्यादा एफर्ट करें कि जिससे कि वहाँ इम्प्रूवमेंट हमें ज्यादा मिल सके। तो इसमें इंटर सेक्टोरल कंसल्टेशन, मीडिया आउटरीच कंपेन, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एट द ग्राउंड लेवल, इनोवेशन अवेयरनेस प्रैक्टिस क्या क्या हो सकती है, क्या क्या वहाँ जो ग्राउंड हर जगह के हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग वहाँ कस्टम्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए वहाँ के इनोवेशन क्या हो सकता है वो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर छोड़ा गया। मॉनिटरिंग और एवेल्युएशन के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स एंड स्टेट टास्क फोर्स एंड नेशनल टास्क फोर्स का प्रोविजन रखा स्कीम की गाइडलाइंस में, जिसमें कि स्कीम को मॉनिटर किया जा सके 3 अलग अलग लेवल पर। सेक्टोरल एक्टिविटीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिवार्ड रिकॉग्निशन के लिए बोला गया कि आप गर्ल्स जो जो अचीवर्स आते हैं आपके एजुकेशन में उनको आप रिवार्ड करें इस प्रोग्राम के तहत। और इसी टाइप से सेक्टोरल एक्टिविटीज जो हेल्थ की थी उसमें अवेयरनेस PCPNDT एक्ट के लिए, और जो इन्फॉर्मर्स जो इसमें जो देते थे कि PCPNDT का कोई वायोलेशन हो रहा है तो उसको और एफिकेसी प्रोवाइड करने के लिए इसमें रिवार्ड का प्रोविजन रखा गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के ये हमारे फंड रिलीज की स्टेटस रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट्स में हम 50 लाख रुपए देते थे तो उसमें हम 14-15 से लेकर के ये 50 स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट कम थे, फिर बाद में हमने 405 डिस्ट्रिक्ट किए, तो 17-18 से लेकर के बाद में हमारा फंड बढ़ा है। बाद में ये हुआ कि कुछ प्रोग्राम्स जो नेशनल लेवल पर होते थे उनको बोला गया कि इसको और अलग मिनिस्ट्री के प्रोग्राम्स के साथ में कन्वर्ज करके किया जाए, तो इसलिए फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मल्टी सेक्टर इंटरवेंशन के लिए फंडिंग की प्रोविजन रखे गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें फिजिकल प्रोग्रेस जो हमें अभी तक आई है वो इस टाइप से है कि इंक्रीज जो 19 पॉइंट का इंक्रीज हमें मिला है सेक्स रेशियो एट बर्थ में नेशनल लेवल पर, जो 918 से 2014-15 में स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, और 2020-21 के जो आंकड़े आए थे उसमें 937 पहुंच चुका है। मतलब सेक्स हमारे हिसाब से ये इम्प्रूवमेंट आया है। इट मे बी वन ऑफ द रीजन दैट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। और इसी टाइप से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है, जो 2014-15 में 77.45 था वो 81.32% हुआ 18-19 में, जो कि UDISE के डेटा से हमने लिया है। इसी टाइप से चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट जो है फीमेल का वो रिड्यूस हुआ है, जो 45 था 2014-15 में वो 36 हुआ 2018 में। इसी टाइप से फर्स्ट ट्राइमेस्टर ANC रजिस्ट्रेशन जो पहले काफी कम होता था वो 61% से बढ़ के 2020-21 में हमारे पास 73.9% हुआ है। और इसी टाइप से परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, जो कि एक डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में होने से ये रहता है कि हमारे पास एक डेटा मिल जाता है वहां से उसमें किस टाइप के हमें इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, तो 87% हुआ करता था 2014-15 में, जो 94.8% हो गया 2020-21 में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चल रहा था तो बीच बीच में हमने डिस्ट्रिक्ट्स में बात कर करके उनसे पूछा कि आपके यहाँ क्या क्या किस टाइप की बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, तो ये कुछ कुछ हमने कंपाइल किए थे। इसमें लक्ष्मी पूजन का एक प्रोग्राम होता है, तो उसमें हवन करवाते हैं जब बच्ची को, जो अपना जब भी उनका कुछ प्रोग्राम रहते हैं बर्थ के बाद में। ऐसे नन्हे चिन्ह का एक प्रोग्राम बनाएगा जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स को उनको प्रमोट किया गया कि आप इसको कैसे करके बेबी गर्ल्स के वहाँ उनके पैरों के निशान वगैरह बनवा के फुटप्रिंट वगैरह लेकर के और चार्ट पेपर वगैरह तैयार करें, जिससे कि और अवेयरनेस वगैरह फैलाई जा सके। इसी तरीके से बेटी बगीचा बनाने का कॉन्सेप्ट किसी किसी डिस्ट्रिक्ट ने किया, जिसमें कि बेटियों के नाम से उन्होंने जो पब्लिक प्लेसेस थे वहाँ उसमें बगीचा टाइप का या प्लांटेशन वगैरह किया। स्वच्छता का एक है स्वच्छता सुरक्षा स्वास्थ्य सम्मान संबलंबन करके एक प्रोग्राम कुछ डिस्ट्रिक्ट ने अपने लेवल पर किया, जिसमें के मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर ज्यादा जोर दिया गया जो स्कूल में बच्चियां जाती थी उनके लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। किसी जगह कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ने बालिका मंच का प्रोग्राम किया, जिसमें के जो चाइल्ड एम्पावरमेंट क्लब बनाया, जिसमें के एडोलेसेंट गर्ल्स थे
तो उन्होंने अपने अपने कुछ इंटरवेंशन जो वो कर रहे थे, जिसमें कि कैसे ऑफेंसेस होते हैं उसके बारे में जानकारी दी जा सके। आपनो बेटी आपनो मन ये प्रोग्राम था जिसमें कि जो जो बच्चियां हिंदी इंग्लिश और मैथ्स में जो अच्छा परफॉर्म करती थी उनके लिए उनका कैसे मान सम्मान दिया जा सके। ऐसे घर की पहचान बेटी के नाम, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ने ऐसा किया कि बेटी के नाम से घर का नाम रखने का परंपरा चालू किया, तो उनको और बेटी को लग रहा है बेटी को रिकॉग्निशन देने के लिए बेटी के नाम से हम घर रखेंगे, घर का नाम भी बेटी के नाम से होगा। उन्होंने बोर्ड लगाए अपने अपने घर के सामने। इसी टाइप से चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन रथ किसी किसी डिस्ट्रिक्ट ने चलाया, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लेवल पर एक रथ बना करके, जैसे नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें कि चाइल्ड मैरिज को कैसे रोका जा सके उसके लिए उन्होंने अपने प्रोग्राम किया। एक तरीके से मास अवेयरनेस टाइप का प्रोग्राम था। ये हमारा एक हाईलाइट था जो हमें नीति आयोग के जब इवेल्यूशन हुआ प्रोग्राम का, तो हमें ये पता लगा 11 स्टेट में उन्होंने इवेल्यूशन किया था और एक यूटी में किया था। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि स्कीम जो है काफी अच्छा मास मोबिलाइजेशन करती है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और वैल्यूइंग कल्चर चाइल्ड पर इसका अच्छा फोकस है, और ये अवेयरनेस जो है जितनी भी अभी तक की गई है वो काफी हाई लेवल की है, लोग इस नाम को पहचानते हैं और काफी डिस्ट्रिक्ट्स में किसी भी जगह जाएंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में पूछेंगे तो लोगों को पता रहता है। थैंक यू, दैट्स इट।